नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का नरेंद्र मोदी पर पलटवार, मैं शल्य नहीं भीष्म हूं, अर्थव्यवस्था का नहीं होने दूंगा चीरहरण। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का हो सकता है नार्को टेस्ट, पंजाब पुलिस हनीप्रीत को पूछताछ के लिए भटिंडा ले गई। आयोग की हरी झंडी, 2018 में हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण मामले में अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं आतंकवादी नहीं। भारत के अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी शीर्ष पर, फोर्ब्स ने जारी की 100 धनपतियों की सूची। अखाड़ा परिषद द्वारा फर्जी घोषित राधे मां की खातिरदारी करने पर दिल्ली के विवेक बहार थाना प्रभारी संजय शर्मा लाइन हाजिर। कांग्रेस का नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा लच्छेदार भाषण से नहीं शासन से चलेगा देश। अखिलेश यादव 5 साल के लिए बने समाजवादी पार्टी के मुखिया, परिवार में तनाव बरकरार। अमेरिकी एजेंसी FBI ने कहा लास वेगास हमला आतंकवादी घटना नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा शोक में है अमेरिका। पाकिस्तान जाने की कोशिश में राजस्थान के बाड़मेर जिले में बांग्लादेशी गिरफ्तार। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।